आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जो हमारा जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स है, ये वाली वीडियो उसी कोर्स का 6 एपिसोड है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि ट्रेडर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और आपको उसमें ट्रेड कैसे करना है, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी आपको शायद कुछ नॉइज सुनाई दे रही होगी, तो मैं अभी फिलहाल गाँव में हूँ, तो इसलिए मैं क्लियर ढंग से वीडियो शूट नहीं कर हो सके उतने मैं क्लियर वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत अगर नॉइस आती है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बॉस, ध्यान से समझिएगा, जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो ध्यान से समझिएगा। और आप चाहें तो एक अपनी पेन ला दीजिए और नोट ला दीजिए, जिसपे आपकी जो जो मेन टॉपिक होंगे उसका उनको आप उसमें नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी स्टॉक में या फिर किसी भी चीज में ट्रेड करते हो तो वहां पर आप दो चीजें कर सकते हो। पहला आप वहां पर बाई कर सकते हो, ठीक है, वहां पर आप बाई कर सकते हो, वहां पर आप सेल कर सकते हो। ये दो चीजें आप वहां पर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बाई का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को कम प्राइस में खरीदते हो, जैसे उसका प्राइस बढ़ जाएगा वैसे आप उसको बेच देते हो। सेम सेल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी प्राइस को किसी, जैसे कि समझ लीजिए सेल, जो आप किसी चीज को सेल कर रहे हो उसका प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, तो आपने उसको किसी कस्टमर को बेच दिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे उसका प्राइस आ जाएगा 50 पर वैसे आप उसको खरीद लोगे। ये होता है सेल का मतलब, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी, ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग दो तीन प्रकार की होती है। एक होता है हमारा स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, एक होती है स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये क्या होती है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, ये अभी आगे इसी कोर्स में आपको पता चलेगा, इसलिए आप कोर्स में बने रहना, ठीक है। अब देखिए आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपने समझ लिया कि जो भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, जैसे कि स्टॉक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स हमारे क्या है, यहाँ पर स्टॉक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। टाटा मोटर्स हमारे यहाँ पर स्टॉक है। टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है अभी समझ लीजिए 319 पर टाटा मोटर्स का अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। फिर आप यहाँ पर क्या सोचते हो कि टाटा मोटर्स जो है अभी ग्रोथ करने वाला है, ठीक है, इसका जो शेयर है वो अभी आगे जाएगा, मतलब कि बढ़ेगा, तो आप यहां पर क्या करोगे, इस स्टॉक को बाय करोगे। अब जब आप इस स्टॉक को बाय करोगे तब वहां पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जब इसका प्राइस चढ़ा है 319 रुपए, उसके हिसाब से जैसे ही आप क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे, मतलब कि अगर आपको एक क्वांटिटी चलेगी, अगर आप एक क्वांटिटी लोगे तो आपको इतना प्राइस पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दो क्वांटिटी लोगे तो जो हमारा प्राइस चल रहा है उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जितना आपका आएगा उतना आपका प्राइस हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉक ट्रेडिंग में, ठीक है। वापस मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई भी स्टॉक है, जो कि हमने लिया टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स लिया। अभी मैं आपको अलग बताता हूँ, इसका प्राइस चढ़ा है 300 पे, ठीक है, इसका प्राइस चढ़ा है 300 पे। फिर क्या होता है, आपको लगता है कि ये ग्रोथ करने वाला है, टाटा मोटर्स मतलब कि बढ़ने वाला है, वो अपनी ग्रोथ करने वाला है, मतलब कि वो अपने शेयर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाय साइड का ट्रेड लोगे, ठीक है, यहाँ पर आप बाय साइड का ट्रेड लोगे, मतलब इस शेयर को आप बाय करोगे, इस शेयर को आप बाय करोगे। जैसे ये जैसे 300 पर है ना, 300 पर अभी इसका रियल मनी है, 300 पर अभी इसका रियल प्राइस है, ठीक है। तो जैसे आप वहां पर क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे, जैसे आप वहां पर क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे, कितने आपको क्वांटिटी इसके शेयर्स के लेने हैं, अगर एक क्वांटिटी आप लेते हो तो आपको इतना प्राइस पड़ेगा जितना उसका रियल प्राइस चल रहा है अभी। अगर आप उसको दो क्वांटिटी करते हो, ठीक है, अगर आप दो क्वांटिटी लेना चाहते हो तो जैसे जितना उसका प्राइस चल रहा है उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जितना आपका प्राइस आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि जिस भी शेयर को आप खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, सेम अब मैं आपको बेचने का भी बता देता हूँ, सेल आपको कैसे करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक, जैसे कि मैं यहाँ पर वापस टाटा मोटर्स ले रहा हूँ, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है 400 पे, आप समझ लीजिए, ठीक है, और आपको लगता है कि आप टाटा मोटर्स घटने वाले हैं, मतलब कि टाटा मोटर्स गिरेगा, नीचे आएगा, मतलब कि जैसे 400 पे चल रहा है ना, 400 से टाटा मोटर्स 300 पे आएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, आपने सोचा। अब यहां से क्या हुआ, आप इस शेयर को सेल करोगे, ठीक है। सेल आप इसको क्यों करोगे, मतलब कि आप देखो प्राइस चल रहा है 400 पे, आपने क्या सोचा कि ये जो प्राइस अभी चल रहा है ये गिर के आएगा 300 पे, तो आपने इसको सेल किया, मतलब कि बेचा। अब जैसे इसका प्राइस कम होगा वैसे आप इसको बाय कर लोगे, ठीक है, ये जिसके मैंने आपको पहले भी एग्जांपल के थ्रू बताया था, वैसे सेम सेल साइड में आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर, जैसे कि समझ लीजिए आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर सेल किया, और टाटा मोटर्स का जो प्राइस है वो चल रहा है अभी 400 पे, जैसे टाटा मोटर्स का प्राइस आपने देखिए 400 पे बेचा, ठीक है, अब जैसे उसका प्राइस कम होगा वैसे आप उसको खरीद लोगे,
जैसे इसका प्राइस आ गया 300 पे, वैसे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे, प्रॉफिट बुकिंग मतलब आप उसको बाय कर लोगे, तब आपका जितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो आपके लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है, अब जब आप किसी शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता चल गया होगा, जब आप किसी शेयर में या फिर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो कैसे आप वहां पर ट्रेड करते हो। अब सेम जो स्टॉक होते हैं उसमें एक और ट्रेडिंग होते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें आप कैसे कर, अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि अडानी है, अडानी का आपने समझा कि अडानी, देखिए अडानी चल रहा है अभी समझ लीजिए 500 पे, ठीक है। आपने आपने देखा कि अडानी चल रहा है 500 पे, अब आपने क्या सोचा कि यहां से जो अडानी वो अपनी ग्रोथ करेगा और जो 500 का प्राइस है ये जाएगा 700 पे, आपने सोचा ऐसा, ठीक है। जो ये 500 का प्राइस है ये जाएगा 700 पे, तो आपने क्या किया, यहां पर आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे, आप स्टॉक के ऑप्शन को बाय करोगे। मतलब कि जब आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं तो आपके आपके पास एक ब्रोकर होना जरूरी है। अब जो भी आप, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी आप सीख रहे हो वो आप प्रैक्टिकली कहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, वो करोगे आप अपने ब्रोकर में। अगर आपने अभी तक ब्रोकर नहीं खोला है आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने 3 ब्रोकर की लिंक दे रखी है। बेसिकली 2 ब्रोकर में ही आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें फ्री में, एक है अपस्टॉक, एक है एंजल वन, इन दोनों में से किसी में भी आप अपना जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। एक जीरोधा भी मैंने दे रखा है, जीरोधा अभी पे का फीस अभी 200 रुपए है, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अभी फ्री में ही अपना डीमेट अकाउंट खोलें, अभी आप पेड ना खोलें तो ये आपके लिए सही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने सोचा कि ये 500 से जाएगा 700 पे, तो आप इसके स्टॉक को बाय नहीं करोगे, ठीक है, आप इस स्टॉक के ऑप्शन को बाय करोगे, आप इस स्टॉक के ऑप्शन को बाय करोगे और जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो ऑप्शन का प्राइस होगा, मतलब जो उसका स्ट्राइक प्राइस होगा उसका आपको प्राइस लगेगा, जितना उसका स्ट्राइक का प्राइस होगा वो आपके लॉट। देखिए जब आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपका भी एक लॉट होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए जो बैंक निफ्टी होता है, जो हमारा इंडेक्स है, उसका 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, वैसे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है, इसमें भी आपका एक लॉट होता है, लॉट के हिसाब से आप यहाँ पर बाय करते हो, ठीक है। तो जितने आप लॉट बाय करोगे उतने से वो जो प्राइस रेट होगा स्ट्राइक प्राइस का वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, जितना आपको उसमें आएगा उतना आपको वहां पर पे करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार क्लियर समझा देता हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई भी एक स्टॉक लिया, जैसे कि मैं वापस से टाटा मोटर्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका प्राइस चल रहा है 500 पे, अब आपने क्या सोचा कि इसका प्राइस जाएगा 500 से 700, तो आप क्या करोगे, इसको बाय करोगे, करोगे कि नहीं, क्योंकि आपने सोचा है कि ये ऊपर जाएगा तो आप इसको बाय करोगे ना, खरीदोगे उसको आप, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप उसके स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हो, आपको उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन को बाय करना पड़ता है, ठीक है। वैसे सेम जब आप इसमें सेल करते हो तो सेल में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है, तो आप यहाँ पर इसके पुट को भी बाय कर सकते हो, मतलब कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसमें एक होता है पुट, एक होता है कॉल, इसको भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हो उसको खरीदने के लिए, जब आप किसी भी ऑप्शन को चूज करते हो तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक होता है कॉल, एक कॉल के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, एक होते हैं पुट के, एक पुट के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आप देखिए कॉल को भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है, कॉल को आप बाय कर सकते हो, पुट को भी आप बाय कर सकते हो, अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कॉल को बाय करोगे तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट अप जाएगा, अगर आप पुट को बाय करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, सिंपल है, आप दोनों को बाय कर सकते हो। अब सेल साइडिंग में देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स सेम सेलिंग में क्या होता है, आप यहां पर कॉल को भी सेल कर सकते हो, मतलब कि कॉल को आप सेल कर सकते हो और पुट को भी आप सेल कर सकते हो। अब जब आप कॉल को सेल करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट यहां से अप जाएगा, जब आप पुट को सेल करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स यही होता है, आप इन ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो, इनमें अंतर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हो, मतलब कि आपने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया, कॉल को आपने एक साइड का कॉल आपने बाय किया, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट अप जाएगा, जब आप उसको बाय करोगे तो जो आपका पास कैपिटल होगा उसका वो आपको कम देना पड़ेगा, मतलब आप मतलब कि बाय करने पे आपका जो मार्जिन है वो कम लगता है। सेम अगर आप पुट को बाय करोगे तो सेम आपका मार्जिन लगेगा, मतलब कम लगेगा। अगर आप कॉल को सेल करते हो तो आपका मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, सेलिंग करने में आपका मार्जिन ज्यादा लगता है, सेम पुट साइड में भी आपका मार्जिन ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर मैं अगर पूरा बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक मैंने अपने कोर्स में एक टॉपिक बना रखा है, तो आगे आप इस कोर्स में बने रहिएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि बाइंग क्या है सेलिंग क्या है, आप इसी कोर्स में बने रहिएगा। अब इस कोर्स में जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। अब देखिए
ये तो आपको समझ आ गया कि आप स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, अब जानते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक होता है बैंक निफ्टी, ठीक है, एक होता है निफ्टी, एक होता है फिन निफ्टी, एक होता है सेंसेक्स, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, एक होता है मिड कैप, इनमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आप स्टॉक कुछ वगैरह नहीं ले सकते। अब जैसे कि बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप समझ लीजिए, जैसे बैंक निफ्टी, देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे कि बैंक निफ्टी चल रहा है अभी 19,000 पर, ठीक है, बैंक निफ्टी चल रहा है 19,000 पर। अब क्या होता है कि आपने सोचा कि बैंक निफ्टी 19,000 से 18,000 पर आएगा, ठीक है, आपने सोचा बैंक निफ्टी 19,000 से 18,000 पर आएगा गिर के, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपका पुट है, इसमें ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया दो चीजें होती है, एक होता है पुट, एक होता है कॉल। आप क्या करोगे, पुट को बाय करोगे, अगर आप बायर्स हैं, अगर सेलर्स हो तो आप पुट को सेल करोगे, पुट को बाय करोगे। जब आप पुट को बाय करोगे तो वहां पर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ता है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना नहीं आता है, और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं आता है, तो आप इसी कोर्स में बने रहिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आने वाला है। अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट को बाय करोगे। अब अगर आप पुट को बाय करते हो तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट गिरेगा। अब जैसे ही 19,000 से ये 18,000 पर आएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर 19,000 से अगर 20,000 पर जाता है तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। सिंपल होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आ गई होगी। देखिए आप यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक में आप कैसे ट्रेड करते हैं, और स्टॉक ऑप्शन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑप्शन में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जीरो टू एडवांस कोर्स के इस एपिसोड में हमने जाना कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपका कोई रिश्तेदार है, भाई बहन, कोई भी जो ट्रेडिंग करना चाहता है, वो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहता है, तो ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी भी मदद हो जाए, जब वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करे, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ आपकी भी मदद हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।